लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। 15 अगस्त देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको हम भारत पर्व करके यहाँ पे मनाते हैं। और हमारे लिए दो ही पर्व महत्वपूर्ण होते हैं, 26 जनवरी और दूसरा होता है राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के संबंध में यहाँ पे हमारे साथ में स्थानीय निवासी है पुलिस करके, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, क्या तैयारी है टोकन की, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या व्यवस्थाएँ हैं और क्या शासन और प्रशासन 15 अगस्त को किस उसको मना रहे हैं या नहीं मना रहे, इसके विषय में अपन अपना पुलिस से बात करते हैं। पुलिस हमारे सामने है, पुलिस क्या बोलना चाहेंगे कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या बोल रहे हैं। हमारे यहाँ संसद में बहुत अच्छे से पदार्थ का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और सारे लोग जो है बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं पर्व को मनाने के लिए। और हमेशा इस 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी मतलब जानकारी होती है सर जो हम बताते हैं उस माध्यम से कि मतलब हमारे देश में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ, ये सब जानकारी देते हैं सर। और स्टूडेंट लोगों को भी हम इंस्पायर करते हैं कि हमें दुनिया में रहकर क्या करना है, किस तरीके से बलवान बनना है और किस तरीके से हमें आज़ादी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 15 अगस्त का जो पर्व है यहाँ पे जो यहाँ पे दुर्व्यवस्था यहाँ पे दिखने को मिली वो अभी रोड को जो अच्छे वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर पहले अगर करते तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो हमने देखा कि अपना जो प्रतिमा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी उसको यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे उसको साफ सुथरा कर रहे थे, परंतु रोड पे जितना जो पानी का जो भाव था जिसकी वजह से पानी पूरा पूरा वेस्ट हो रहा है, तो नगर परिषद की इसके ऊपर जो पानी का जो लोगों को आज पानी नहीं मिल रहा उसमें इतना पानी वेस्ट हो रहा है, पानी के विषय में आप क्या बोलना चाहिए। सर ये गलत है कि रोड पर जो पानी आ रहा है उसे नगर पालिका द्वारा सही ढंग से और सही लाइन से उसे पानी को साइड से निकाल देना चाहिए ताकि वो गलत तरीके से दिखे ना, किसी नज़र में ना आए और मतलब स्वच्छता अच्छी बनी रहे। इनका ऐसा कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत में बहुत सारी योजना भी आती है, तो स्वच्छ अभी आज रात जब देखा जाए सोशल नगर परिषद में बहुत सारी हितग्राही है जो पीएम आवास से लाभान्वित नहीं है, और यहाँ पर जो भी योजनाएँ आती है वो शासन